हेलो एंड वेलकम, आई एम संजय एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन रेप्लिकेटिंग माइंड्स। आज हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे रिगार्डिंग स्टडीज़ एंड ऑल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपसे कि अगर आपको CSIR क्वालिफाई करना है या DBT या GATE कोई भी एग्ज़ाम, ICMR कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप पढ़ना छोड़ दीजिए। शौक में मत जाइए, आगे की बात सुनिए, पढ़ना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो सिर्फ पढ़ते हैं उनका कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। ऐसा क्यों? अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, जैसे कि CSIR, DBT, GATE, ICMR, है ना, QSET, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है किसी भी लेवल पे, तो पढ़कर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तैयारी से, ठीक है। तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टडिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। पढ़ाई सब लोग करते हैं, प्रिपेयर सब लोग नहीं करते। तो क्वालिफाई एग्ज़ाम उन्हीं का होता है जो लोग पढ़ाई के साथ साथ प्रिपरेशन भी करते हैं, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आराम से बैठ चुके हैं CSIR का एग्ज़ाम देकर, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में चले गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो CSIR का एग्ज़ाम होगा जून 2021 में, ठीक है, होपफुली अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो वैसे भी मुझे लगता है कि होना चाहिए जून 2021 में अब, क्योंकि अब और CSIR को तरीका मिल चुका है कि एग्ज़ाम करवा सकते हैं। जैसे इन्होंने भी पैंडेमिक के बीच में ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ करवाया है, तो जून का एग्ज़ाम होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम उन्हीं लोगों का क्वालिफाई होगा जो लोग अब आकर रिलैक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप किन में से हो, ठीक है। आप कुछ लोग होते हैं बरसात के मेंढक होते हैं, कुछ लोग होते हैं लंबी रेस के घोड़े, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़िट बैठते हो, ठीक है। बरसाती मेंढक वो होते हैं जो सिर्फ बरसात के टाइम पे बाहर निकलते हैं, लाइक सिर्फ वो बच्चे जो CSIR का जब एग्ज़ाम आता है तब उनकी दिमाग की बत्ती जलती है, ठीक है, और उनका क्वालिफाई कभी भी नहीं हो पाता एग्ज़ाम, ठीक। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एक महीने में कोई भी बड़ा एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। वो बहुत लक बाय चांस होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में किसका फ़ायदा होता है? जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं। अब मैं आप लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप CSIR का एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हो? कभी आपने सोचा है क्यों करना चाहते हो? देखो, CSIR का एग्ज़ाम कोई हलवा नहीं है या कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये आपको लॉन्ग लाइफ लॉन्ग, मतलब पूरे जीवन भर के लिए, एक तो LS का सर्टिफिकेट देती है, एज ए लेक्चरशिप के लिए आपको एलिजिबल बनाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराएगी अगर आपका GRF क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, PhD करने के लिए, ठीक। तो आपने मान लो रट के किसी तरह एक महीने में CSIR का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है, ठीक है। आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको फेलोशिप मिलेगी, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर PhD। लेकिन अब क्या होगा, जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, वाइवा के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर लिखने को कुछ नहीं होगा, MCQ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स पे। वहाँ पर आपका एनालाइजिंग पावर चेक किया जाएगा, ठीक है, कि आप कितना अच्छे से साइंस को सोच सकते हैं, कितना अच्छे से रिसर्च को समझते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कौन आगे चला जाएगा, है ना, वहाँ पर वो लोग आगे बढ़ेंगे जो लोग अभी इस एग्ज़ाम के बाद शांति से रिलैक्स होकर नहीं बैठे हैं, और वो लोगों ने 2-3 दिन रिलैक्स करने के बाद वापस किताबें खोलनी शुरू कर दी है, वापस नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए हैं, वापस नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, वापस लेक्चर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो वो लोग वहाँ पर आप लोगों से आगे बढ़ जाएंगे अगर आप लोग इस टाइम रिलैक्स हो गए हो, ठीक है। और अगर आप लोग भी बरसाती मेंढकों में से हो, बुरा मत मानिए, बट दिस इज़ ए फैक्ट। कड़वी जो सच्ची बातें होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, बट डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप इन बातों को कैसे लेते हैं, ठीक है। मेरा काम है टाइम टू टाइम आपको समझाते रहना, आपको गाइड करते रहना, आपको मोटिवेट करते रहना। अब टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से इन बातों को लेते हैं। तो जो इन बातों को पॉजिटिवली लेगा उनका CSIR 100% क्वालिफाई होगा, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम है ना, ये 1-2 महीने की तैयारी से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने होते हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसमें आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जैसे मैंने हर बार बोला है मिनिमम 7-8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही हैं।
तब जाकर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको, अगर आप बात करें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को कवर करने में, एक सब्जेक्ट को अच्छे से अगर दोगे ना तो एक महीना लगता है, और 7-8 सब्जेक्ट का मतलब 7-8 महीने। तो आपको 6 महीने तक निरंतर बिना किसी ब्रेक के आपको लग कर दिन रात मेहनत करनी होगी, तब जाकर आपका CSIR क्वालिफाई होगा, है ना। उन्हीं का होता है CSIR क्वालिफाई जो रिलैक्स नहीं होते एक एग्ज़ाम देने के बाद। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये CSIR का एग्ज़ाम देकर रिलैक्स हो चुके हो कि नहीं, यार अभी एग्ज़ाम हो गया है, अब हम आराम से 1-2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये आपकी, बोल सकते हो कि ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैं कभी भी किसी को झूठ मूठ का मोटिवेट नहीं करता, मैं मोटिवेट करता हूँ और साथ साथ उनको फैक्ट्स भी बताता हूँ कि ऐसा करोगे तो क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, बस आप पढ़ के चले जाओ, एक रात भी पढ़ोगे एग्ज़ाम पास हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको महीनों की मेहनत लगती है, ठीक है। तो अब देखो, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और जून में आपके ऑलमोस्ट 5-6 महीने हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, हाउ आई क्वालिफाइड CSIR इन 6 मंथ्स, वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाई हैं कि कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है CSIR के लिए, कैसे आपको 6 मंथ्स को डिवाइड करना है 2-2 मंथ्स में, और कैसे हर 2 महीने में आपको क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको CSIR का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना होता है। लेकिन मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस टाइम आराम से मत बैठिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि सबके लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो कि दिन रात एक करना पड़ता है। आपको वो एक फेस निकालना ही होगा अगर आप इस फील्ड में टिकना चाहते हो तो, ठीक है। वो फेस आपका कभी भी हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर आपने अच्छे जगह से, अगर आपकी ग्रेजुएशन है, बैचलर्स है, ठीक है, जो कि हम लोगों के साथ बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चों को अच्छी जगह से बैचलर करने का मौका मिलता है। तो क्या होता है कि वो कहाँ पे मिल, किन बच्चों को अच्छी जगह से बैचलर्स करने को मिलता है, जिनका 11th 12th बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे स्कूल में गुजरा हो, उन्होंने 12th में बहुत मेहनत करी होगी, ठीक है। तो वो अपनी मेहनत 12th में करके आए हैं और उन्होंने अपने जो अपना जो मेन जो, जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या पता बहुत सारे लोगों ने 12th में वो मेहनत कर ली हो तो उनको BSc बहुत अच्छे कॉलेज में मिल जाती है। और आपको, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वही बच्चे होते हैं जो अच्छी जगह से बैचलर्स करके आते हैं। तो आप अगर उनमें से हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको कोई एवरेज कॉलेज में बैचलर्स मिल गई होगी, ठीक है। तो अब वो आपका फेस अब आएगा, अगर आपने इस टाइम मेहनत नहीं करी तो आपको फिर से एवरेज कॉलेज में ही MSc मिलेगी, ठीक है। हुआ भी होगा बहुत सारे बच्चों के साथ, मेरे साथ भी यही हुआ था। तो अब यहाँ पर आपका एक टाइम आ सकता है कि आप बैचलर्स में वो मेहनत करो जो कि एक मेहनत ज़रूरी होती है, ठीक है, समझ रहे हो। एक धक्का जो बोलते हैं ना, जो एक जो धक्का होता है उसको लगाना होता है ताकि आपका करियर पार लग जाए, तो वो एक धक्का कभी ना कभी आपको खुद को लगाने पुश करना ही पड़ेगा। तो फिर या तो आप बैचलर्स में करो, अगर नहीं करोगे तो एक एवरेज कॉलेज में MSc मिलेगी, ठीक है। फिर आप MSc, अब PhD तो किसी एवरेज कॉलेज में कर नहीं सकते, ठीक है, वो तो अच्छी जगह से ही करोगे, है ना, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपका सारा करियर डिपेंड होता है। तो अब जिन्होंने 12th में मेहनत नहीं करी, जिन्होंने बैचलर्स में मेहनत नहीं करी, उनको मेहनत करनी होगी MSc में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी इस स्टेज पे ही हो, और ये बहुत अच्छा स्टेज होता है, क्यों, क्योंकि अब हम मैच्योर हो चुके हैं, है ना। आप में से सब लोग मैच्योर हो चुके हो, मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है। जो लोग अभी बैचलर्स वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए तो बहुत अच्छा चांस है, आपको 2 साल बाद जाकर वो मेहनत करनी है, क्यों ना आप अभी से वो स्टार्ट करो, ठीक है, आपको MSc में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट जो लोग अभी मास्टर्स में ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग बहुत मैच्योर हो चुके हो, अब आपको किसी को समझाने की ज़रूरत, मतलब कोई आपको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो कि आपको समझाए, मोटिवेट करे, आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, है ना, यू आर इनफ मैच्योर, ठीक है, आपको सब चीज़ें पता है, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें क्या कहाँ से कवर करनी है, ठीक है, सब कुछ आपको पता है। बस किस चीज़ की कमी है कि एक फोकस होके एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना,
तो वो मेहनत का टाइम अभी है। आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग कर एकदम घुस जाइए, तब जाके एक एग्ज़ाम में अगर आपका क्वालिफाई हो गया ना, तो बस आपकी लाइफ किनारे लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मेन जो है वो यही है, जैसे बचपन से हमें बोलते जाते हैं ना, बेटा बस 12th में मेहनत कर लो, बस ग्रेजुएशन में मेहनत कर लो तो अच्छी जगह MSc मिल जाएगी, बस MSc में मेहनत कर लो। देखो मेहनत तो ज़िंदगी भर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि PhD अगर अच्छी जगह से आपको मिल गई तो अपने आप आपका करियर किनारे लगता चला जाएगा, फिर आपको इतनी मेहनत इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी शांति से मत बैठो, रिलैक्स हो गया, 1-2 हफ्ते का बहुत रिलैक्स होता है, क्योंकि इस स्टूडेंट लाइफ में हमें उतना ज़्यादा रिलैक्स मोड में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस मैं आप लोगों को सबको गुड विशेस देना चाहता हूँ और आपको वापस जगाना चाहता हूँ कि भाई बहुत रिलैक्स हो गया, आप लोग उठिए और पढ़ना शुरू कीजिए, अलग अलग जगह से देखिए कहाँ कहाँ से कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। अलग अलग टीचर्स से पढ़िए, जो टीचर्स जिन भी चीज़ों को अच्छी चीज तरीके से समझा सकता है। मैं कभी भी नहीं कहता कि आप टोटली मेरी वीडियोस पे डिपेंड रहिए, क्योंकि हर इंसान हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता। तो आपको जिसकी भी वीडियोस अच्छी लगती हैं जिस भी सब्जेक्ट पे, आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मेरा चैनल है तो आप मेरे पे ही डिपेंड रहिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। मेरा बस मोटो ये है कि अगर मैं आपके करियर में, आपकी प्रिपरेशन में 1% भी अगर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो बस गुड विशेस, शांति से मत बैठिए, टाइम आ चुका है आपके उस प्रिपरेशन का जो कि आपको जीवन में एक ना एक बार ज़रूर करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आपको सारी बातें आज समझ में आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिए और उठ जाइए, पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। डिफरेंस दोनों में आपको पता है, ठीक है। आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।